आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी। मैं हूं परिधि जोशी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रुड़की सिविल हॉस्पिटल का जन औषधि केंद्र किया सील, अनियमितताएं मिलने पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने की बड़ी कार्रवाई। विकास प्राधिकरण खत्म करने की मांग को लेकर कल मुनस्यारी में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ आम नागरिकों ने दिया धरना, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। भ्रष्टाचार के विरोध में कांग्रेसियों ने फूंका मुख्यमंत्री का पुतला, दिनों दिन बढ़ती जा रही महंगाई के लिए भाजपा सरकार को ठहराया दोषी। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और मंत्री हरक सिंह रावत के बीच हालत सामान्य होते दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिर एक आदेश उत्तराखंड की राजनीति में उथल पुथल मचा सकता है। दरअसल हरक सिंह रावत की करीबी दमयंती रावत को हटाकर अब श्रम आयुक्त दीप्ति सिंह को कर्मकार कल्याण बोर्ड का सचिव बना दिया गया है। पौड़ी जिले के नैनी डांडा ब्लॉक के लगभग 40 गांव में गुलदार के आतंक से परेशान होकर ग्रामीणों ने कांग्रेस के उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप की अगुवाई में वन विभाग और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया और गुलदार को नरभक्षी घोषित करने की मांग और मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए और सरकारी नौकरी देने की मांग की। कम से कम जो है 45 से 50 गांव इससे प्रभावित हैं, और जैसे कि आप जानते हैं इसका दायरा क्या होता है कि 40 किलोमीटर के दायरे में एक रात में ट्रेवल कर लेता है, तो इसी जगह 100 से ज़्यादा गांव भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। तो हमारी मांग तो पहली ये है कि पहले तो सबसे पहले इसको नरभक्षी घोषित किया जाए और वन्य कानून में बदलाव किया जाए। करिए, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, इस पर रोकथाम होना चाहिए और जो पीड़ित परिवार है उसको इंसाफ मिलना चाहिए और उसके किसी बच्चे को नौकरी मिलना चाहिए और ये नैनी डांडा ब्लॉक से ही वो नरभक्षी बाघ को ख़त्म कर देना चाहिए और जितना जल्दी हो सके इसको हटा दिया जाए, क्योंकि इस दो लोगों पर वार कर चुका है। पूरा आतंक मचाया हुआ है नैनी डांडा में और इसलिए लोगों को सड़कों पर आना पड़ा है, और आपने देखा कि एक व्यक्ति धीरज सिंह जो निर्दोष व्यक्ति है उनकी हत्या हुई है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए सारे लोग इकट्ठे हो रखे हैं, और भाई मनोज और हमारे दूसरे साथी सारे लोग नौजवान आज नाराज है। हमारा कहना कि परिवार को एक नौकरी मिलनी चाहिए और इसके अलावा उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। करीब 7 महीने के लॉकडाउन के बाद कल से जिले भर में बोर्ड परीक्षाओं के लिए विद्यालय खुल गए हैं। सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी होने के बाद से कल से 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी स्कूल पहुंचे। वीसी दरवान सिंह नेगी वॉर मेमोरियल राजकीय इंटर कॉलेज कर्णप्रयाग और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्कूल प्रबंधन के द्वारा सभी बच्चों के थर्मल स्क्रीनिंग कर सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए बच्चों को दिशा निर्देश जारी किए। देखिए, हमें शासन से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग गाइडलाइंस प्राप्त हो चुकी है, दैट इज कॉल्ड SOP। उसके अकॉर्डिंग ये है कि 10th और 12th की ही कक्षाएं संचालित होंगी, और 10th और 12th की जो हमारी कक्षाएं संचालित होंगी उससे पहले स्कूल को प्रॉपर सैनिटाइज कर दिया गया है, स्कूल की सफाई करा दी गई है। और हमारे यहाँ, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि पहाड़ में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन कुछ स्कूल हमारे अच्छे हैं जिनमें मतलब काफ़ी स्ट्रेंथ है, तो उन स्कूलों के लिए उनमें हमने स्टैंडर्ड बता दिया गया है, 6 फीट की डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए है जो क्लासेस है वो अरेंज की जाएं, और बच्चों को आने से स्कूल में पहले सैनिटाइज, उनके हाथों को सैनिटाइज किया जाए, उनको मास्क प्रोवाइड किए जाएं। चंपावत जिला मुख्यालय में प्रांतीय व्यापार मंडल के चुनाव संपन्न हो गए हैं। सभी 4 पदों पर एक एक नामांकन होने से चारों पदाधिकारी निर्विरोध चुने गए। शिवा रेजिडेंसी में आयोजित प्रमाण पत्र वितरित कार्यक्रम में सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को व्यापार संघ के चुनाव प्रभारी एनडी गढ़कोटी और पर्यवेक्षक शंकर पांडे ने प्रमाण पत्र प्रदान किए। रुड़की के सिविल हॉस्पिटल में बने जन औषधि केंद्र पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल ने छापा मारा, जहां पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को बड़े पैमाने पर खामियां मिली है, जिसके बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने मौके पर ही जन औषधि केंद्र को सील लगा दी। महामारी के दौरान भी और अभी भी हमने देखा है कि किस प्रकार से काफ़ी लोगों का डिपेंडेंसी रहती है हमारे जन औषधि केंद्रों पर, लेकिन यहाँ पर कई प्रकार की इन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है। सर्वप्रथम तो इनके यहाँ प्राइवेट मेडिसिन काफ़ी मात्रा में, भारी मात्रा में है उपलब्ध, और जन औषधि की जो स्केड्यूल्ड मेडिसिन हैं वो नहीं है। जन औषधि की जो मेडिसिन होती है उसमें एक हॉलमार्क होता है, तो वो हॉलमार्क से क्लियरली पता चल जाता है कि कौन सी प्राइवेट है, कौन सी जन औषधि की प्रिस्क्राइब मेडिसिन हैं। तो अभी इस स्टोर में काफ़ी सारी प्राइवेट मेडिसिन पाई गई, साथ ही साथ जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है सिविल अस्पताल की तरफ से जन औषधि केंद्र को संचालित करने का, उनके द्वारा इसका संचालन नहीं किया जा रहा है, इसको फर्दर सप्लेंट भी किया गया है। देश में कोरोना महामारी के मामलों के बीच बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने महज 4 महीने में 85 लाख से अधिक कोरोना किट बेच डाली है। कंपनी के आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में बेची गई दवाओं की कुल बिक्री करीब 241 करोड़ रुपए है।
उत्तराखंड के 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए कल से स्कूल खुल गए हैं। हालांकि देहरादून के स्कूल बेहद कम संख्या में छात्र दिखाई दिए। वहीं थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद ही उन्हें प्रवेश किया गया और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन किया गया। बहुत बड़ी चुनौती है ये, क्योंकि अगर हम स्वस्थ और सुरक्षित नहीं रहेंगे तो कैसे भविष्य हमारे बच्चों का सुरक्षित रह सकता है। तो इस चुनौती का सामना करने के लिए हम अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, अपने कर्तव्यों का बोध कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि बच्चे पूरी जो सरकार ने SOP दी है उसका हम अक्षरशः पालन करें। कोरोना काल में सरकार के विद्यालय खोले जाने के फैसले को लेकर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार को कोरोना काल में विद्यालय नहीं खोलना चाहिए था। प्रीतम सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री विवेक से काम नहीं करते हैं। देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने विवेक से तो कोई निर्णय नहीं लेते हैं। जो निर्णय केंद्र से आता है उसको एज इट इज एग्जीक्यूट करने का वो काम करते हैं। अरे, प्रदेश की अपनी स्थिति है, भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं। कोई भी अभिभावक आज की तारीख में जो है कोरोना के रहते हुए अपने बच्चे की जिंदगी पर कोई दांव नहीं लगाना चाहता। ऐसी परिस्थितियां हैं, अभिभावक डरा हुआ सहमा हुआ है और WHO भी लगातार कह रहा है कि कोरोना की महामारी जो है अब फिर तेजी के साथ बढ़ने का काम करेगी। तो मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि आए, कम से कम जो है कोरोना पर जो है काबू पाने का काम हो जाए, उसके बाद मैं समझता हूँ कि हर अभिभावक चाहेगा कि उसका बच्चा जो शिक्षा ग्रहण कर। विकास प्राधिकरण पर विधायक चंदन राम दास कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की मांग को लेकर कल चीन सीमा के अंतिम तहसील में पंचायत प्रतिनिधि के साथ नागरिकों ने धरना प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस प्राधिकरण को हटाने की मांग का पत्र मुख्यमंत्री को भेजा। एक तरफ जहां कोरोना काल में लोग सतर्कता बरत रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के द्वारा रक्तदान शिविर लगाकर लोगों को जागरूक करने में तुले हुए हैं। माता साहिब गुरुद्वारा परिसर में आयोजित एक दिवसीय रक्तदान शिविर टॉनिक ग्रुप के बैनर तले लगाया गया है। चंपावत जिले में युवा कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेसजनों ने भ्रष्टाचार के विरोध में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने दिनों दिन बढ़ती जा रही महंगाई के लिए राज्य की भाजपा सरकार को दोषी ठहराया है। श्रीनगर में रामलीला समिति और स्थानीय प्रशासन आमने सामने आ गए हैं। रामलीला समिति ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि स्थानीय प्रशासन ने रामलीला मंच की अनुमति नहीं दी, लेकिन अब रामलीला मैदान में बिना रामलीला समिति को भरोसे में लेकर पटाखों की दुकान लगाने की अनुमति दे दी है। वहीं रामलीला समिति के उपाध्यक्ष दीपक उनियाल ने प्रशासन को मैदान में पटाखों की दुकान लगाने पर आमरण अनशन करने की चेतावनी दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने एक बार फिर हरक सिंह रावत पर जुबानी हमला बोला है। दरअसल हरक सिंह रावत ने हाल ही में बयान दिया था कि वो हरीश रावत से मिलना चाहते हैं, वह उनके बड़े भाई है, जिसको लेकर प्रीतम सिंह ने कहा कि हरक सिंह रावत को हरीश रावत के घर जाकर मुलाकात करनी चाहिए। प्रीतम ने कहा कि सरकार के सभी मंत्री विधायक त्रिवेंद्र रावत से नाराज हैं। विधानसभा के बाहर जीत का जश्न और नरेश बंसल के जिंदाबाद के नारे और पटाखों की गूंज, ये नारा है उत्तराखंड में निर्विरोध चुने गए राज्यसभा सांसद की विजय रैली का। जी हां, उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट पर कल उत्तराखंड में चुनाव हुआ। क्योंकि विपक्ष की ओर से कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं था, इसलिए BJP के उम्मीदवार नरेश बंसल को ही निर्विरोध विजय घोषित कर दिया गया है। और अब मुझे दीजिए इजाजत, बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ TV। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें पहाड़ TV, खबर पहाड़ की। बेल आइकन दबाना ना भूलें।